जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू टूर्नामेंट क्लासेस। मैं अर्जुन खरे आप सभी के सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल टूर्नामेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास में लिया था, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चंस किया था, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चंस किया था फ्रेंड, तो इसको हमने वैसे भी कर सकते हैं जिसमें मैंने लास्ट क्लास में बताया था। इसको मैं एक और तरीके से बताता हूं आपको, जिसको जो मेथड अच्छी लगे वो मेथड से कर सकता है। लास्ट क्लास वाली मेथड भी अपना सकते हैं और जाली मेथड भी अपना सकते हैं। देखिए, ठीक है, जो मैं बताने वाला हूँ क्या बोल रहा है वो कि 50 लीटर के एक मिश्रण में शराब और सोडा का अनुपात 3:2 है और 6:7 बनाने के लिए कितना सोडा मिलाया जाना चाहिए। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, आप सभी लोगों को आता होगा, कल मैंने बता चुका हूँ। पर वो वाली मेथड अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है या फिर वो सोच रहे हैं कि एक और मेथड होती सर तो हमारे पास सेफ, हम लोग सेफ जोन में और चलते हैं, ठीक है। तो जिससे आपको इच्छा हो आप लोग उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। शराब को हमने क्या ले लिया, लिक्कर ले लिया। यहाँ पे हमने ले लिया भैया लिक्कर, ठीक है। हमने क्या ले लिया शराब को भैया यहाँ पे लिक्कर, क्या लिक्कर ले लिया। और उसको हमने क्या ले लिया भैया सोडा को एस, सोडा का एस, लिक्कर का एल, ठीक है। ये कितना दे रखा है हमें 3:2 में, 3:2 में हमें दे रखा है यहाँ पे। तो हमने इसमें कॉन्स्टेंट मान लिया एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए। सभी को जिसको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, लास्ट क्लास में आप लोग देख सकते हैं ये चीजें कैसी हो रही है, कैसे कॉन्स्टेंट जोड़ते हैं। अब वो कह रहा है कि भैया अनुपात बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बनाने के लिए कितना सोडा, ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, कितना सोडा उसने मिलाया, कितना सोडा मिलाया, मतलब सोडा मिला रहा है वो, लिक्कर को कुछ नहीं कर रहा है। तो लिक्कर तो हमारा अभी भी 3A ही रहेगा, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। लिक्कर तो अभी भी हमारा 3A ही रहेगा, चलिए, ठीक है, लिक्कर हमारा 3A ही रहेगा। तो पर वो क्या कह रहा है, लिक्कर कितना हो गया है रेशियो में, लिक्कर कितना हो गया है, वो कह रहा है हमारा लिक्कर कितना हो गया है, वो कह रहा है 6:7 में हो गया है, मतलब 6.7 में आपका लिक्कर हो गया है। मतलब जो लिक्कर है हम लोग उसमें भी कांस्टेंट जोड़ देते हैं तो 6A 7A हो गया है। हम पहले ये था 3A, कुछ जोड़ा लिक्कर में तो 6A हो गया, ठीक है। सोडा में कुछ जोड़ा तो ये रेशियो बन गया। अब देखिए, लिक्कर पहले 3A था, अब 6A हो गया। भैया लिक्कर थोड़ी जोड़ रहे हैं हम, तो सोडा जोड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कितना सोडा मिलाया जाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब लिक्कर के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, तो लिक्कर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, तो भैया हम लोग लिक्कर को क्या करेंगे यहाँ पे सेम कर देंगे। तो लिक्कर को सेम करने के लिए मैं आपको कंडीशन बताता हूँ कि यहाँ पे 6 है तो हमें इसको भी 6 बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी हमें 6 बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या करा भैया, इसमें 3 में 2 को मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी इक्वेशन में, तो हमारे पास जो नया रेशियो बनेगा लिक्कर और इसका, ठीक है, लिक्कर और सोडे का, तो कितना बन जाएगा ये 6A और ये हो जाएगा हमारे पास 4A, ठीक है, और ये रहेगा हमारे पास 6A और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7A। मतलब अब हमारा लिक्कर सेम हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं ये लिक्कर जो है हमारे पास, ठीक है, अभी हमारा क्या है लिक्कर सेम हो गया है। सभी लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे, अब लिक्कर सेम हो गया। अब देखेंगे कि भैया पहले 4A सोडा था और अब 7 हो गया है, कितना मिलाया उसने भैया, 3A मिलाया सोडा, 3A मिलाया, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमें पता लग गया 3A मिलाया। अब हमने देखा लीटर कितना था मिक्सचर, कुछ भी एक चीज देके रखी होगी, तो हमने देखा भैया 50 लीटर का मिक्सचर था, पर हमारे अकॉर्डिंग कितना मिक्सचर है भैया 10A का, 6 और 4, ठीक है। हमने क्या देखा, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 10A का, तो हमने यहाँ पे क्या करा इसका 10A बराबर कितना कर दिया जो क्वेश्चन में दे रखा है 50, तो A बराबर कितना हो गया आपका 5। बस अब इस A की वैल्यू को आपको क्या करनी है, पुट कर देनी है, काय में पुट कर देनी है भैया ये 3A में, ठीक है। तो आपको पता है क्योंकि पहले 4A था सोडा और अब 7A हो गया है, तो हमने क्या करा 3A में इसको पुट कर दिया है, तो 3 × 5 तो हमारा आंसर क्या आ गया 15, मतलब हमने सोडा 15 मिलाया, ठीक है। हमने क्या करा, सोडा 15 लीटर और मिला दिया, ये सोडा है,
ये मेथड और लास्ट वाली मेथड आई, तो लास्ट वाली मेथड ही तो ये वाली मेथड आप लोग उसको इससे कर सकते हैं। एक बार मैं और अच्छे से बता देता हूँ आपको कैसे करा है। देखिए शुरुआत में हमने क्या करा था, ये सबसे पहले लिखकर और छोड़कर हमें रेशियो दे रखा था 3:2, हमने इसको ये रेशियो में दे रखा था, हमने इसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट किया, तो हमने एक एक कॉन्स्टेंट इसमें मिला दिया। उसके बाद क्या करा हमने, फिर जो हमारा सोडा मिलाने का जो अनुपात बनता वो बना हमारा 6:7। अब हमने सोडा मिलाया है लिकर के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, बट यहाँ पे लिकर 3 है और यहाँ पे 6 है, तो भैया ये तो दिक्कत हो गई, तो हमें दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो क्या कंडीशन होती है, दोनों के एलसीएम को यहाँ पे 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, मतलब लासापा लेंगे, तो हमें या फिर इस 3 को हमें 6A में बदलना है क्योंकि यहाँ पे 6A है, तो हमने यहाँ पे इसको 6A में। अब जाके लिकर में हमने कोई चेंज नहीं करा, तो लिकर और यहाँ का लिकर दोनों सेम हो गए, मतलब पहले सोडा 4A था और अब 7A हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, मतलब 3A का चेंजेस आया, मतलब 3A सोडा हमने मिलाया है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे अकॉर्डिंग मिला है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा है हमें, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है हमें 50 लीटर के मिक्सचर में, तो हमारे पास टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 6 और 4 10, ठीक है। हमारे पास मिक्सचर कितना है, 6 4 10, मतलब 10A हमारे पास मिक्सचर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 10A हमारे पास मिक्सचर है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 50A बोल रहा है, ठीक है। तो हमने A की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे 5, ठीक है, A की वैल्यू 5 निकाल ली। अब हमें बोल रहा है ये 4A था आपका सोडा और 7A हो गया, मतलब 3A उसने ऐड किया है, तो हमने 3A की वैल्यू निकाल ली जो कि आ गई हमारे पास 15। बस सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। बिल्कुल कुलदीप यादव जी, भगेल जी, बिल्कुल सही जवाब है, हमें 15 15 सबका उत्तर आ गया है। चलिए आगे बढ़े आते हैं, उम्मीद है ये क्वेश्चन आप या तो आपने जो मेरे लास्ट क्लास में मेथड बताई थी उससे कर लीजिए, बेसिक मेथड से, या फिर इससे कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े आते हैं हम लोग, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग फटाफट करके बताएंगे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग सब लोग फटाफट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, ये भी हमारे लास्ट क्लास का क्वेश्चन है जो कि एक और मेथड बता चुका हूँ, इस वाली मेथड से इसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि भाई 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में, ठीक है, लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। जब स्कूल में कुछ, ठीक है, नए लड़का लड़कियां दाखिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है तथा लड़का और लड़कियों के अनुपात बदल के 77:6, ठीक है, 7:6 हो जाते हैं। बताइए कितनी लड़कियों ने दाखिला लिया। बहुत ही नॉर्मल सा और सड़ा सा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन है कि हम लोग इसको बिल्कुल 2 मिनट में कर देंगे, ठीक है। चले बिल्कुल देखिए सभी के उत्तर आने लगे हैं यहाँ पे, तो बता देता हूं मैं कैसे करना है इसको। देखिए कुछ नहीं है यहाँ पे, देखिए आपसे क्या बोल रहा है वो भैया कि भैया बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आपको दे रखा है 5:4, ठीक है, 5:4 आपको दे रखा है। यहाँ पर आपने क्या करना है भैया, और बाद में कितना हो रहा है ये बदलकर, कुछ लड़के जब ज्वाइन कर रहे हैं तो कितना हो रहा है ये 7:6 हो रहा है, ठीक है, 7:6 हो रहा है, आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। हमने क्या करा इसमें कॉन्स्टेंट का, क्योंकि ये रेशियो में है, हमने इसको एग्जैक्ट बदल दिया, ठीक है, हमने ध्यान रखिए इसको एग्जैक्ट बदल दिया, ठीक है। ये हो गया आपको 5A और फिर हमने इसको क्या करा भैया आपका एग्जैक्ट बदल दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको कॉन्स्टेंट ले लिया और एग्जैक्ट बदल दिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, हमने यहाँ पे इसको एग्जैक्ट में बदल दिया। चलिए बहुत ही शानदार, अब क्या कर रहा है भैया, वो कह रहा है कि भैया लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है, तो देखिए यहाँ पे लड़के 5 है तो यहाँ से थे, मतलब यहाँ पे बढ़ रही है, लड़कियां तो नहीं बढ़ रही है, तो मतलब लड़कियां तो दोनों रेशियो में सेम ही होनी चाहिए, तो अब क्या करेंगे हम लोग इन दोनों को सेम करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा भैया 6 और 4 का एलसीएम निकाल लिया, तो आप सभी को पता है 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, ठीक है, 6 और 4 का एलसीएम आप सभी को पता है कि 12 आएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे देखिए एलसीएम जिसको नहीं आता 2 मिनट देख लेंगे, 2 3 जा 2 2 जा, यहाँ पे 3 2 जा 6 और 6 12, तो आप सभी को पता लग गया कि भैया 12 इसका एलसीएम आएगा, तो हमें 12 बनाना है, कैसे भी करके हमें उसे 12 बनाना है। तो हमने क्या करा इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बनेगा,
अनुपात वो क्या बनेगा, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई अंदर जब करेंगे तो हमारे पास कितना रहेगा 15a, फिर इसके बाद क्या रहेगा हमारे पास 12a, ठीक है, और यहाँ रहेगा हमारे पास 14a, ठीक है 14a और यहाँ रहेगा हमारे पास 12a। मतलब लड़कियों की संख्या तो बड़ी नहीं, तो यहाँ पे भी देखिए लड़कियों की संख्या 12 और यहाँ पे भी 12 है, ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी 12 है और यहाँ पे भी 12 है, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है। अब वो क्या कह रहा है कि भैया लड़कियों की संख्या कितनी बड़ी, ठीक है लड़कियों की संख्या कितनी बड़ी ये आपको बताना है। चलिए बहुत ही शानदार सा, अब देखिए यहाँ पे कितने लड़के कितने बड़े भैया, तो भैया लड़के बड़े 15a थे और 14a हो गए, मतलब a की वैल्यू, ठीक है a की वैल्यू आप सभी को पता है यहाँ पे कितनी, a की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी दे रखी है 12, ठीक है 12 बताइए, 12 बढ़ जाती है, ठीक है तो 12 हो गई है, a की वैल्यू आपकी 12 हो गई है, ठीक है a की वैल्यू 12 हो गई है, आप लोग देखिए यहाँ पे देख सकते हैं a की वैल्यू यहाँ पे 12 है, ठीक है a की वैल्यू आप लोग ये देख सकते हैं कि भैया 12 है a की वैल्यू। चलिए तो हमारे a की वैल्यू जो हो गई वो 12 आ गई। अब वो क्या कह रहा है कि भैया हमसे कि बताइए कितनी लड़कियों ने नया दाखिला लिया, तो कुछ नहीं करना है, इस a की वैल्यू को आपको यहाँ पुट कर देना है 4a में और 6a में। तो हमने a की वैल्यू को 4a में पुट किया, a की वैल्यू को हमने 4a में पुट किया तो आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है जब हमने इसको यहाँ पुट किया तो भैया देखिए पहले 4a थी लड़कियां, बाद में 6a हो गई है, तो 4a, तो 4a कितना हो गया 12 चौके 48 और ये कितना हो गया भैया 12 चौके 72, ठीक है पहले 48 थी फिर इसमें कितनी ऐड हो गई है 24 ऐड हो गई है, ठीक है ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, तो कितनी ऐड हो गई है यहाँ पे, तो देखिए आप लोग देख सकते हैं भैया 24 ऐड हो गई है, ठीक है 24 ऐड होने के बाद कितनी आ गई है 72 आ गई, तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना 24। बिल्कुल इस तरीके से भी कर सकते हैं आप लोग, एकदम बेसिक मेथड से बता दिया मैंने इसको भी, 24 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जिससे आपको करना हो देखिए पहली मेथड से कर सकते हैं तो पहली मेथड से, नहीं तो ये मेथड से, जो भी आपको सही लगे, या तो ये मेथड नंबर 2 से कर लीजिए या मेथड 1 से कर लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो। मैंने आपको दोनों बता दी कि नहीं यार दोनों पता होने चाहिए हमारे स्टूडेंट्स को। आप कोई तो सोच रहे होंगे सर जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं सर पहली मेथड कौन सी थी, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये क्लास 8 है, इससे पहले की 7 क्लासेस हो चुकी है जो कि आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी मैथ डायमंड बैच के नाम से, ठीक है इसकी जो पहले की क्लासेस है, ठीक है इसकी जो पहले की क्लासेस है पहले की क्लास 1 से लेकर 7 तक उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है बिल्कुल ध्यान रखेंगे मैथ डायमंड नेम के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बिल्कुल, ठीक है आज जो है ये हमारी क्लास नंबर ठीक है 9 है, ठीक है बिल्कुल हाँ ये ध्यान रखेंगे आज हमारी जो क्लास नंबर 9 है ये कल का क्वेश्चन है, ये कल की क्लास का नंबर डाला हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स ये कल की क्लास का नंबर डाला हुआ है, आज हमारी क्लास 9 है क्योंकि ये कल का क्वेश्चन था इसलिए कल की क्लास का नंबर डाला हुआ है, इससे पहले की जो क्लासेस है आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए ठीक है आगे बढ़े आते हैं हम लोग नए क्वेश्चन के साथ, कुछ तड़कते भड़कते क्वेश्चन के साथ आपके साथ मिल जाते हैं हम लोग आगे। ठीक है चलिए देखिए ये क्वेश्चंस आपके आ गए हैं बकायदा, चलिए करेंगे इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखेंगे आप सभी लोग, ठीक है इसको सॉल्व करके देखेंगे सभी लोग कैसे क्या बनेगा आपसे, फिर मैं आपको बताता हूं इसकी बहुत ही शानदार सी मेथड्स, ठीक है आप सभी ने देखे होंगे आपके एग्जाम्स में, ठीक है आपके एग्जाम्स में आपने सिक्कों वाले क्वेश्चन देखे होंगे, सिक्के वाले क्वेश्चन देखे होंगे भी आपको सिक्कों का बैग में इतने इतने के रुपए हैं, ठीक है आपको कॉइन्स दे रखे हैं, चलिए क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, एक बैग में ठीक है 1 रुपए के 50 पैसे के 25 पैसे के सिक्के होते हैं, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है 6:15:16, यदि सभी सिक्कों का कुल मूल्य
1050 से तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आप लोगों ने काफी बार आपके एग्जाम में देखा होगा, ठीक है। काफी लोगों को लगता है कि ये रेशियो का क्वेश्चन नहीं है, पर ये रेशियो के टॉपिक में ही आता है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है, एक आराम से इसको मैं फॉर्मेट बताता हूँ कि आपको उसी फॉर्मेट में जमाना है, ठीक है। आप लोग इसको टाइप नंबर नेक्स्ट ले सकते हैं, अभी तक आप सभी को पता 19 टाइप हो चुके हैं हमारे, तो आप लोग इसको टाइप 20 ले सकते हैं, ठीक है, टाइप 20 इसको ले सकते हैं आप लोग। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है कि आप सभी को पता है कि भैया 1 रुपए के, ठीक है, 1 रुपए के यहाँ पे सिक्के हैं, और कितने कितने के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं। अब देखिए अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी होगी तो मैंने बताया था कि यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई चीज केजी में है, मतलब किलोग्राम में है, तो वो किलोग्राम में ही सभी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई लीटर में है तो सभी चीजें लीटर में होनी चाहिए, पर यहाँ पर रुपीज में और वो बाकी चीजें पैसे में, तो आप सभी को पता है कि भैया 1 रुपए में क्या होता है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, इसको चेंज कर देंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे इसकी यूनिट को, तो 1 रुपए तो ठीक है। अब इस 50 पैसे को यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, 50 पैसे और 25 पैसे, इसको हम लोग क्या कर देंगे, आपके 50 पैसे को क्या लिख देंगे हम लोग, 0.50, ठीक है, 0.50 रुपीज, ठीक है। फिर 25 पैसे को हम लोग लिख देंगे 0.25 रुपीज, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें, कुछ भी समझने लायक नहीं है इसमें। चलिए अब आप ये देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स, यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ कॉइन्स लिखेंगे, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स हम लोग यहाँ पे बिल्कुल लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे लिखेंगे, यहाँ पे रेशियो दे रखा है, उसमें आपको नंबर ऑफ कॉइन्स का 6, बकायदा अच्छे से दूर दूर लिख के बता रहा हूँ मैं आप सभी को कि आपसे कोई दिक्कत नहीं हो, 6, 15, ठीक है, और क्या बता रहा है वो यहाँ पे 6, 15 और 16, ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स के आपको रेशियो दे रखे। अब आपने क्या करा कि भैया इनको अलग से लिख लिया, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स के रेशियो दे रखे हैं, और आपसे पूछा यदि सभी सिक्कों का कुल मिल मूल्य 1050 है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया टोटल, ठीक है, टोटल अमाउंट, ठीक है। अब देखिए वो जैसे जैसा बोल रहा है वैसे वैसे करना है, तो 1 रुपए के आपके पास 6 सिक्के मान लीजिए, तो कितने हो गए, हमने इसके अंदर क्या करा भैया, सबसे पहले तो कॉन्स्टेंट जोड़ लिए, तो हमने इसके अंदर कॉन्स्टेंट जोड़ लिए, तो ये हमारे एग्जैक्ट बन गए, क्योंकि आप सभी को पता हम लोग कॉन्स्टेंट जोड़ते हैं, कॉन्स्टेंट जोड़े तो 1 रुपए के 6 सिक्के हैं, तो भैया 6 आ गए, ठीक है, 6A हमारे पास अमाउंट आ गया, ठीक है। फिर 50 पैसे के 15 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के 15 सिक्के तो आप सभी को पता है कितने हो जाएंगे, 7.5 रुपए, तो जाएगा 7.5A, ठीक है। फिर 25 पैसे के 16 सिक्के, 25 पैसे के 16 सिक्के तो आप सभी को समझ में आ गया भैया 4A, ठीक है। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं अगर वो जानना है, तो इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे जो भी यहाँ लिखा रहेगा, और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ये तो नॉर्मल सी चीजें हम लोग बचपन में ही करते आ रहे थे, ठीक है। ये सब टोटल अमाउंट कितना दे रखा है, टोटल आपको दे रखा है 1050, ये आपको अमाउंट। अब देखेंगे रुपीज में दे रखा है कि पैसे में, भैया रुपीज में दे रखा है, मतलब कोई बात नहीं, हमारी सब चीजें रुपीज में ही चल रही है। अब हम जब इसको टोटल करेंगे सभी लोग, तो हमारे पास कितना रहेगा, 6, 4, 10, 17, 17.5, ठीक है, 17.5 आपका आ जाएगा, 17.5 = 1050, ठीक है। तो A की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी भैया, बिल्कुल सब इसको सॉल्यूशंस करेंगे हम लोग, तो A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60, ये इतने सॉल्यूशंस तो आपको करना है, ठीक है, A की वैल्यू आप लोग को निकाल लेनी है 60, और अब वो क्या पूछा है क्वेश्चन में हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। बस ये फॉर्मेट ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, नंबर ऑफ पहले जितने जो चीजों के बारे में उसको ऊपर लिख दिया, नंबर ऑफ कॉइन्स ऊपर आते हैं, फिर एक लाइन खींची, ठीक है, लाइन आपको दिख रही होगी यहाँ पे, एक लाइन खींची, फिर उसके बाद नीचे टोटल अमाउंट है वो लिखा, और टोटल अमाउंट की यूनिट देख ली, ये तो रुपीज में चल रही है और हमें रुपीज में ही दे रखी है। यहाँ से हमने इन सबको देखा हमारे अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट कितना है, तो हमारे अकॉर्डिंग हमने देखा 17.5 है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है,
यहाँ पे देखिए 1050 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इन दोनों को बराबर करके ए की वैल्यू निकाल ली। अब वो क्वेश्चन में जो पूछेगा, एक रुपए के सिक्कों की संख्या, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कौन से है हमारे पास, ये रहे नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, एक रुपए के, तो एक रुपए ये रहे, तो इसके सिक्कों की संख्या 6 है, तो हमें 6 ए की वैल्यू निकालनी है। ध्यान रखेंगे हमें क्या निकालना है, 6 ए की वैल्यू, तो हमने यहाँ पे निकाल ली 6 ए की वैल्यू, मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, 6 ए की वैल्यू निकालनी है, तो हमने निकाल ली 6 ए की वैल्यू, तो 6 ए की वैल्यू कितनी आएगी, 6 × 60 जो कि आ जाएगा आपका 360। बस ये आपका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360, जो कि आपका उत्तर है, ठीक है। नॉर्मल सा उत्तर आ गया है आप सभी का 6 ए का, ठीक है, 360 इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बहुत ही प्यारा सा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसके भी समझ में नहीं आया है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ के बाद ये, ठीक है। चलिए उम्मीद है सभी के समझ में आ गया होगा, वैसे तो नॉर्मल सी चीज थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाएंगे तो और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों के। चलिए एक और क्वेश्चन लगाइए, ये वाला बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जिसके भी नहीं समझ में आया हो तो तुरंत बता दीजिएगा, लाइव क्लास में होने का कुछ तो फायदा मिलना चाहिए अपन को, ठीक है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 65। देखिए रेशियो में आपको मैं 65वां क्वेश्चन करवा रहा हूँ और प्रैक्टिस में लगभग 20-25 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, मतलब करीबन देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे अभी 65वां क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, और लगभग 25 क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस में करवा चुका हूँ। कितने होगा ये हमारे, ठीक है, 6,8,9,90 क्वेश्चन, तो यही होगा अभी, इसमें क्वेश्चन कुछ बचे हैं, अभी जब ये रेशियो हमारा खत्म होगा फिर और प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा, लगभग 100 से लेके 120 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, ठीक है, 100 से 120 रेशियो में क्वेश्चन, मतलब इतनी प्रैक्टिस तो मैं करवा ही चुका हूँ, इसलिए एक ऐसा नहीं है कि केवल एक बार वीडियो देख के काम चला लें, कम से कम 2-3 बार क्वेश्चनों को रिपीट करिएगा, ठीक है, ध्यान रखिए 2-3 बार क्वेश्चनों को रिपीट करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस, भैया प्रैक्टिस करने से ही मैच बनेगी। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आप लोगों से, एक थैले में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में, यदि थैले में कुल 30 रुपए हैं तो उसमें 5 पैसे की कितनी संख्या होगी, बताइए सिक्के कितने हैं 5 पैसे के, 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, ठीक है। चलिए बताइए 5 पैसे की संख्या कितनी है यहाँ पे, सभी लोग ध्यान रखेंगे रेशियो एक कोई मेथड है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे रेशियो को चैप्टर नहीं मेथड है, जान है मैथ्स की, आधे से ज्यादा 80% मैथ्स खत्म हो जाती है रेशियो से, ठीक है। अब जैसे ऐसा बोल रहा है, देखिए अब मैं पूरा फॉर्मेट ही लिखूंगा, मैंने आपको बता दिया है, तो भैया यहाँ पे देखिए ये 25 पैसे, ठीक है 25 पैसे, यहाँ पे ये 10 पैसे और यहाँ पे ये 5 पैसे, ठीक है, आपने नंबर ऑफ कॉइन्स लिखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दे रखे हैं आपको यहाँ पे, रेशियो दे रखा है 1:2:3, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स कितने रखे, 1:2:3, इनको हमने क्या करा भैया, कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई करके एक एग्जैक्ट उसमें लिया है हम लोग कि इतने नंबर ऑफ कॉइन्स है हमारे पास, ठीक है, इतने एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉइन्स है हमारे पास। फिर हमने क्या करा, एक लाइन खींची जो कि हमेशा हम लोग खींचते हैं, आप सभी को पता है ऐसे फॉर्मेट में जमा के आप लोग करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। अब देखते हैं कि आप देखिए 25 पैसे के एक सिक्का है हमारे पास, मतलब कि 25 पैसे का एक सिक्का है, तो हमने देखिए अब यहाँ पे यूनिट देखिएगा, सभी चीजें यहाँ पे पैसों में चल रही है, तो हम लोग क्या करेंगे भैया, पैसों में ही चलने देंगे, ठीक है, तो 25 पैसे का एक सिक्का तो भैया हमारे पास 25 पैसे, ठीक है, ये 25 पैसे आ रहेगा यहाँ पे 25 ए, अब 10 पैसे के दो हैं तो कितना रहेगा यहाँ पे 20 ए, ठीक है। फिर ध्यान रखेंगे आप लोग 5 पैसे के 3 है तो कितना रहेगा 15 ए। अब एक और बात, अब देखिए हमें टोटल अमाउंट क्या दे रखा है, उसके पास कुल यहाँ पे देखेंगे आप लोग क्या रहेगा भैया, यहाँ पे वो कह रहा है कि कुल 30 रुपए है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए उसके पास कुल 30 रुपए है,
ठीक है, तो आपको क्या करना है भैया, कुल 30 रुपए इकाई सेम करनी है, क्योंकि बात तो हमारी पैसों में चल रही है। तो आप सभी को पता है कि भैया पैसों को वो रुपीस को पैसों में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 30 रुपए है, हमने 100 से मल्टीप्लाई करके इसको भी पैसों में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब हमारे अकॉर्डिंग कितना है, तो 25, 20, 45, 15, 50 और 60, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग कितने हैं, 60A है टोटल। हमारे अकॉर्डिंग कितने रुपए हैं भैया, 60A, और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने हैं, 30, 3000, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग है भैया 60A और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 3000। हमने यहां से A की वैल्यू निकाल दी, तो कितनी आ जाएगी, 3000 अपॉन में 60, तो ये 60 से कट जाएगा, ये रहेगा 50, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास इसका 50, ठीक है, कट क्या रहेगा हमारे पास इसके पास, ये 50 रहेगा, तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 50। अब वो कह रहा है 5A के सिक्के कितने हैं, यहाँ देखिएगा, वो कह रहा है 5A के सिक्के कितने हैं, तो भैया 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, 5 पैसे के सिक्के हमारे पास है 3, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ नंबर ऑफ कॉइन्स 3A, मतलब हमें क्या करना है भैया, 3A की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पे 3A की वैल्यू निकालनी है, तो हमने 3A की वैल्यू निकाल दी, 3 × 50, A की वैल्यू 50 है, तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे 150, बिल्कुल, तो हमारे पास जो 5 पैसे की संख्या है वो कितनी हो गई है, 150, ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखेंगे इसका उत्तर हमारा क्या आ गया है, 150। बहुत ही नॉर्मल सा है ये, नंबर ऑफ कॉइन्स वाले क्वेश्चन 100% आते हैं, अगर किसी को ऐसी शंका है कि नहीं आते हैं तो बता दूं मैं, ये क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, चलिए चलिए, यहाँ पे देखिए सभी लोग बिल्कुल, यहाँ पे धाकड़ जी राम राम, जय श्री कृष्ण, देखिए सभी लोग के आ गए हैं यहाँ पे उत्तर 150 150, बिल्कुल अनुज बघेल जी 150 इसका राइट उत्तर है। देखिए ये फॉर्मेट में जमा के आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक मेथड बता दी कि अगर किसी को बिल्कुल भी मैथ नहीं समझ में आती है, ठीक है, तो बिल्कुल, और ये मेथड ये मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ मैं, ये सब चीजें मैं पहली वाली क्लासेस में बता चुका हूँ, ठीक है, ये क्योंकि हमारी क्लास 9 थे तो क्लास 8 हो चुकी है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैथ डायमंड बैच के नाम से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, बकायदा एकदम बेसिक से धीरे धीरे एकदम बच्चों की तरह हमने चले हैं और बकायदा आगे आगे सॉल्व करते गए हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं यहाँ पे। चलिए ये क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखेंगे आप लोग कैसे करना है। ये क्वेश्चन है हमारा भैया क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 आप सभी के सामने आ गया है और बहुत ही प्यारा सा प्रश्न बोल रहा है वो, ठीक है, इसको आप लोग एक बार ट्राई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ट्राई करेंगे बकायदा शानदार तरीके से। क्या बोल रहा है वो कि 8000 रुपए को ABC, ठीक है, 8000 रुपए को ए बी और सी के बीच में इस तरह से वितरित किया जाता है, ठीक है, कि क्रमशः 500 रुपए, 200 रुपए और 100 रुपए के नोट प्राप्त करते हैं, ठीक है, ये तीनों नोट प्राप्त करते हैं, उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि अनुपात में दे रखी है 15:2:3, ठीक है, और बताइए कि 500, 200 और 100 के नोटों की संख्या का अनुपात क्या होगा, मतलब इन तीनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है हमसे, ठीक है, आपको बता रखे नोट कितने हैं, आपसे अमाउंट पूछ रहा है कि भैया उसके जो अमाउंट है उनका बीच में रेशियो कितना है, तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे इसका उत्तर जैसे अभी बताया भैया वैसे ही करेंगे, ठीक है, जैसा आपको अभी बताया है बस वैसे ही करना है, कुछ भी नया नहीं करना है हमें इसमें, कुछ भी नया नहीं करना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, कुछ भी नया नहीं करना है यहाँ पे हमें। तो हमने देखा कि भैया क्या क्या बोल रहा है वो हमसे, ठीक है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अब हमारे पास अच्छे से मस्त तरीके से बताता हूँ, देखिए क्या बोल रहा है कि भैया उसके वो कह रहा है कि 500, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रुपीज, ठीक है, 500 रुपए, 200 रुपए, ठीक है, और कितने रुपए आपके 100 रुपए, ठीक है, ये 100 रुपए, ये 200 रुपए और ये 500 रुपए, चलिए बहुत ही शानदार, ठीक है, यहाँ पे अब वो क्या बोल रहा है 500 रुपए, 200 रुपए और 100 रुपए। अब हमें पता है हमारा फॉर्मेट तो क्या है भैया, नंबर ऑफ कॉइन्स,
हम लोग क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ, कभी भी बार बार फॉर्मेट चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। नंबर एक ही फॉर्मेट से सभी क्वेश्चन बन जाने चाहिए, बस व्यापम भरपूर टाइम देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें ये नहीं पता कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। देखिए नंबर ऑफ कॉइन्स या फिर यहाँ पे तो नंबर ऑफ नोट चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स की बात नहीं, नोट्स की बात कर रहा है, या नोटों की बात हो रही है, सिक्कों की बात नहीं करते हैं क्योंकि अमीर व्यक्ति है भैया, ठीक है। यहाँ पे नोटों की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ नोट्स है, तो भैया कुछ नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, हमने एक लाइन खींच ली, हमें नहीं पता वो। अब हमें वो कह रहा है अमाउंट, अमाउंट जो कह रहा है भैया उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि का अनुपात। ये देखिए राशि का अनुपात दे रखा है, तो हमने लिख लिया यहाँ पे राशि का अनुपात 15, ठीक है, अनुपात 2, ठीक है, और कितना रहेगा यहाँ पे 3। ये उनके द्वारा राशि की अनुपात है, ठीक है। जैसे जैसे वो फॉर्मेट देखिए, यहाँ पे पहले लिखा था 500 फिर 200 फिर 100, इसीलिए हमने यहाँ पे 500 और 200 फिर 100 लिया, नहीं तो कुछ रिचर्ड बोल लेंगे सर आपको कैसे पता कि 500 पहले लेना है 200 पहले लेना है, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई करना है, रेशियो जहां दिखे वहां एक कॉन्स्टेंट चिपका दीजिए। अब वो कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है, मैं ए लेता हूँ, आपको एक्स पसंद हो क्या पता, ठीक है। पर अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी एक्स पहले से यूज हो रहा है तो एक्स को मत लीजिएगा, फिर कुछ और ले लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो क्या होगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे अब देखिए, ध्यान रखिएगा इस बात को कि भैया, चलिए अब देखिए वो क्या कह रहा है कि टोटल अमाउंट है हमारे पास 8000, ठीक है। तो टोटल अमाउंट है हमारे पास 1, 2, 3, 8000 है। अब देखिए रुपीज में यहाँ पर भी है और रुपीज में ये 8000 भी है, तो मतलब इकाई की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यूनिट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमारे अकॉर्डिंग कितना है भैया, 15, 2, 17, 17, 3, 20, तो हमारे अकॉर्डिंग कितना है 20, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 20, यहाँ पे लिखा है 20A, और कितना रहेगा ये 8000। तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 400। ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, 400 आ जाएगी हमारी ए की वैल्यू। सभी को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि ए की वैल्यू तो आ गई हमारी 400। बस इस 400 को आपको इसमें पुट करना है, जब इसमें पुट करेंगे आप लोग 15 × 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15 × में पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 6000, ठीक है। यहाँ पे आपको ये 6000 मिल जाएगी, मतलब जो है हमारे पास 500 का जो अमाउंट बन रहा है वो 6000 बन रहा है, 500 के जितने भी नोट थे उनका अमाउंट 6000 है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे रखेंगे तो इनका अमाउंट बनेगा 800 रुपये, ठीक है। इसका यहाँ पे क्योंकि 2A तो 400 × 2 फिर 3 करेंगे तो यहाँ बन जाएगा इसका अमाउंट 1200 रुपये। नॉर्मल सा मेथड है, सभी को समझ में आ रहा होगा, ये बन गई हमारे पास 1200 रुपये। बस अब आपको पता लग गया कि भैया 500 के कितने नोट होंगे कि भैया 6000 बन जाए। तो आप यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए आप सभी लोग, तो 500 के कितने नोट है जो कि 6000 बन जाए, तो भैया इसको डिवाइड कर दीजिए 6000 को आप 500 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये 5 12 जा मतलब 12, ठीक है, 500 के 12 नोट होंगे, ठीक है, ध्यान रखें। इसी प्रकार यहाँ पे इसको कर देंगे तो इसके 4 नोट होंगे, ठीक है, 200 को हम लोग 800 से काट देंगे तो 4 नोट होंगे, कि 200 के भैया 4 नोट है तब जाके 800 का अमाउंट बना है। फिर 100 के कितने नोट होंगे, 1200 बन जाए तो भैया 12 नोट होंगे। बस अब वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है, कुछ भी नहीं पूछ रहा है कि 500 और 200 और 100 के नोटों के संख्याओं का अनुपात। तो ये हमने नोटों की संख्या निकालनी है, इसका अनुपात। तो अब हम लोग देखेंगे भैया ऑप्शन में, ठीक है, हम लोग ऑप्शन में देखेंगे क्या है। तो ऑप्शन में हमने देखा कि भैया 12 1, ठीक है, 12 4 3 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमने देखा ऑप्शन में, ठीक है। तो भैया नहीं, ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, मतलब उसका सिंपल फॉर्म होगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ से कट रहा होगा वो। तो हमने देखा भैया कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो हमने देखा भैया 4 से कट रहा है, 4 3 4 1 4 3 मतलब 3 और 1 3 3 1 3, हमने देखा ऑप्शन में 3 1 3 है क्या, हमने देखा तो भैया हमें मिल गया 3 1 3, पहले ही ऑप्शन है, ठीक है, बकायदा पहले ही ऑप्शन 3 1 3 है, बकायदा हमने उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। उम्मीद है सभी के समझ में आ गया, वो कुछ नहीं नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए बहुत ही शानदार, यहाँ पे देखिए बिल्कुल इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है, ये थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है, ये आपका क्वेश्चन ग्रुप 2 लेवल इंस्पेक्टर में दिखाई देता है, ये नोट वाला, बाकी जो पहले जो मैंने बताया वो सिंपल वाला, वो तो आपको, ठीक है,
वो आपको आपके एमपी पुलिस और एमपीएसआई में मिल जाएगा। जो पहले क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन करे थे, ये क्वेश्चन ज्यादातर आपका लेबर इंस्पेक्टर मतलब ग्रुप टू सब ग्रुप फोर में आ जाता है, ठीक है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। बट व्यापम का कोई भरोसा नहीं भैया, क्या पता 12 लाख फॉर्म भरा है एमपी पुलिस में ही दे दे ये क्वेश्चन टफ करने के लिए पेपर को, ठीक है। चलिए उम्मीद है, चलिए आगे बढ़े आते हम लोग। आगे हमारा अगला टाइप आ रहेगा अब, ठीक है। चलिए ये हमारा अगला टाइप आ गया है फ्रेंड्स, आप इसको लिख सकते हैं टाइप नंबर, इसको लिख सकते हैं आप लोग टाइप नंबर कौन सा आपका 21वां, ठीक है। टाइप नंबर 21वां आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, टाइप नंबर 21वां इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में आप लोगों से कि भैया 117 रुपए है, उसको एबीसी में 1/2 अनुपात में 1/3 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से इसको 2-3-4 के अनुपात में बांटा गया। इस प्रकार इनमें से किसका सबसे अधिक लाभ हुआ और कितने रुपए हुआ। तो भैया इस प्रकार देखिए, पहले इस रेशियो में बांटना था 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, बट गलती से 2-3-4 के अनुपात में बांट दिया गया। तो बताइए इसमें भैया किसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ और कितना हुआ। बहुत ही नॉर्मल सा है, मतलब दो तरीके, एक तरीके से देखा जाए तो दो क्वेश्चन को एक बना दिया है। सही वाला भी निकालना है, गलत वाला भी निकालना है, और दोनों में आपको कंपैरिजन करना है। तो मैं आपको इसकी दो मेथड बताऊंगा कि दो कैसे करनी। तो पहले तो बेसिक मेथड बताऊंगा जिससे पूरी दुनिया करती है, ठीक है। अगर आप लोग करना चाहे तो आप लोग भी कर सकते हैं, बाकी फिर मेथड टू भी है जिसको आप लोग कह सकते हैं छोटी मेथड है, ठीक है। पर क्या है कि ये मेथड्स कभी नहीं बदलती है और वो थोड़ी कभी कभी बदल जाती है, ठीक है, वो थोड़ी थोड़ी बदल जाती है। चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं यहाँ पे, चलिए बिल्कुल। अरे वो पूछे टफ क्वेश्चंस हमें अपनी तैयारी करनी है, बाकी नहीं तो आप लोग देखेंगे तो एग्जाम में जितना रेशियो आता है उतना तो मैं बचा चुका हूँ, मतलब उससे कहीं ज्यादा लेवल में बता चुका हूँ। शुरू के जो 4 लेक्चर है, 4-5 लेक्चर उसी में लगभग मैंने खत्म कर दिया एग्जाम में। बट मैं चाह रहा हूँ कि अगर टफ पेपर बन जाए तो उस दिन आप लोग ये नहीं बोले यार न्यू डायमंड क्लासेस ने हमें टफ के लिए तैयार नहीं किया। मैं आपको टफ के लिए भी तैयार करना चाहता हूँ कि आप लोग को टफ से टफ क्वेश्चंस बन जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं भैया, एक तरीके से यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सही, राइट को हम लोग सही लिख देते हैं, ठीक है, कि सही चीज क्या थी। सही में क्या था भैया, ए बी और सी का अनुपात, ठीक है, ए और बी सी का अनुपात क्या था भैया 1/4। अब देखिए मैं आपको देखिए ऐसे जो छोटी छोटी चीज है वो नहीं करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको आराम से सेकंड पेज पे ले लेते हैं बकायदा। ये देखिए हिंदी वाले इंग्लिश वालों ने अभी तक तो क्वेश्चन देख ही लिया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, ये आपका सही चीज बता रहा हूं मैं, मतलब ये जो क्वेश्चन में सही चीज बोल रहा है वो वाला सही चीज कि ना अनुपात में बांटा जाना था, मतलब इस अनुपात में बांटना था जो मैं अभी बता रहा हूं, कौन से अनुपात में ये, ठीक है। अब देखिए इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने करना बता चुका है। क्या करते हैं इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं, इन तीनों का एलसीएम निकाल के उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप सभी को पता है तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा, तो आप 12 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे जिससे हमारे पास सिंपल फॉर्म, जिसको भी ये चीज नहीं समझ में आ रही है क्लासेस देखिएगा लास्ट की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया ए, ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका क्या हो जाएगा, हमें इसको जब सिंपल फॉर्म में कर देंगे हम लोग तो ये रहेगा हमारे पास 6, ठीक है, 4 और 3। इसको सिंपल फॉर्म में करना मैं बचा चुका हूँ पहले की क्लासेस में, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, पहले की क्लासेस में मैं बता चुका हूँ इसको सिंपल फॉर्म में कैसे करना है। चलिए यहाँ पे रहेगा हमारे पास 6A, ठीक है, और ये रहेगा हमारे पास 4A, ठीक है, और C की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 3A। बस ये हो गया, अब कुछ नहीं करना है हमारे अकॉर्डिंग कितना है भैया टोटल, तो 6, 4, 10, 3, 13, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग है भैया 13, पर क्वेश्चन क्या कह रहा है 117 रुपए टोटल है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो 13 है टोटल, उसके अकॉर्डिंग कितना है 117, तो हमने A की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, तो कितनी आ गई A की वैल्यू 9, A की वैल्यू आपकी आ गई है भैया 9, ठीक है, ध्यान रखेंगे A की वैल्यू 9 आ गई है। बस इस A की वैल्यू को उठा के आपको इसके अंदर पुट कर देना है सभी के अंदर, तो आपके पास क्या रेशियो बन जाएगा, आपके पास जो रेशियो बनेगा वो बन जाएगा आपका, ठीक है, रेशियो क्या बन जाएगा ए बी सी का, यहाँ पे देखिए ए बी सी का रेशियो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे
पर 6a मतलब 6 9 जा कितना हो जाएगा आपका 54, ठीक है 6 9 जा 54, फिर आपका क्या बन जाएगा भैया 4a मतलब 36, ठीक है फिर क्या बन जाएगा आपका c की वैल्यू 9 3 जा 27, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आई है, ठीक है ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, मतलब कि ये abc का जो है वैल्यूज ये है, ठीक है ये तो रही सही की बात। अब निकालेंगे हम लोग गलत की बात कि भैया गलती से क्या हो गया है, ठीक है गलती के लिए मैंने क्रॉस लगा दिया है, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ नहीं तो स्टूडेंट्स बोलेंगे सर एक बार लिख भी देते तो सही रहता, तो यहाँ पे हो गया सही, ठीक है यहाँ पे हो गया गलत, ठीक है ये गलत के लिए, ठीक है अब देखिए गलती से क्या हो गया 2:3, गलती में तो कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं अब, ठीक है ए बी और ये सी, गलती से कितना हो गया 2:3:4, ठीक है कुछ नहीं करना वही ए कांस्टेंट ले लेना है हमें, ए कांस्टेंट लेना है यहाँ पर सभी लोग के लिए, ए कांस्टेंट ले लिया हमने, ठीक है ए कांस्टेंट ले लिया हमारे अकॉर्डिंग कितना है टोटल 4 3 7 और 8 9 हमारे अकॉर्डिंग 9 है, ठीक है हमारे अकॉर्डिंग क्या है 9 है, तो हमने देखा भी हमारे अकॉर्डिंग तो 9 है उसके अकॉर्डिंग 117 है जो कि आप सभी को पता है यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है 117, ठीक है चलिए तो उसके अकॉर्डिंग कितना है 117 तो हमने निकाल ली ए की वैल्यू, तो 9 1 9, ठीक है चलिए और 9 3 27 तो ए की वैल्यू हमारी आ गई 13, इस 13 को हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एबीसी का जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा, एबीसी का रेशियो आप सभी को पता है हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो एबीसी का जो नया रेशियो है हमारे पास वो ये रहेगा भैया 13:2:26, ठीक है 13:3:39, 13:4 आप सभी को पता है कितना हो जाता है 52, बस ये खत्म कहानी खत्म, ठीक है ये आपकी बेसिक मेथड है, एक छोटी मेथड और बताऊंगा मैं आप सभी को कैसे करनी है, ठीक है मेथड नंबर 1 है। अब देखिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको हुआ, तो आंखों में देखने को मिल रहा है कि भैया ये 54 था ये 26 हो गया है, सही क्या था 54 और वो गलती से ये हो गया 26, मतलब ये तो लॉस हो रहा है इसको, फिर यहाँ पे 36 था और 39 मतलब प्रॉफिट तो हो रहा है पर 3 रुपए का हो रहा है, पर ये 27 था और ये 52 हो गया है, तो भैया देखिए 27 से 52 हो गया है मतलब इसको प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो रहा है, तो भैया देखिए क्वेश्चन बन गया सी को प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो रहा है, बट अब बात आ रही है कितने का हो रहा है, तो सी को प्रॉफिट हो रहा है 25 रुपए का, ठीक है आप सभी को पता है 27 में 25 जोड़ोगे तो 52 आएगा, तो अब हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में, ठीक है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर है, ठीक है ये तो रही आपकी बेसिक मेथड, ठीक है ये रही बेसिक मेथड। अब देखिए मेथड नंबर 2 जो कि आपकी नॉर्मल मेथड है, अब आपको उससे करना है, ठीक है आपको जो भी अच्छा लगे, क्योंकि भैया मेरे पास हर तरीके के स्टूडेंट है, एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जो भी आपको डायरेक्ट मेथड बताई जाती है मेथड नंबर जो भी मैं बोलता हूँ, देखिए जिससे जो भी अभी बेसिक है जिसको कुछ भी नहीं आता था वो मेथड नंबर 1 से करेगा, और जब तक करेगा जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं हो जाती अच्छी, और जिसकी ऑलरेडी प्रैक्टिस है वो मेथड नंबर 2 से करेगा, ठीक है जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है ये बात बता रहा हूँ मैं, मेथड नंबर 2 से वही करना जिसकी अच्छी प्रैक्टिस हो, जब या फिर जब तक करना जब तक प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो जाए, पता लगे पहले ही मेथड नंबर 2 कर लिया तो भैया गलती हो जानी है आप लोगों को, ठीक है चलिए यहाँ पे मेथड नंबर 2 में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ भैया कि सही का अनुपात और यहाँ पे लिख देता हूँ गलत का अनुपात, ठीक है फटाफट अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे कितना है 6, ठीक है यहाँ पे 6 है 4 है और कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 3, ठीक है इसको कन्वर्ट कर लेंगे, अभी इसको कन्वर्ट करना तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बता चुका हूँ यहाँ पे इसको 12 से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि 2 3 4 एलसीएम आता है इसका और 12 से मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है चलिए ये सब चीजें तो आप सभी को पता है लास्ट क्लास में बहुत प्यारे तरीके से बताइए एकदम बच्चों के समान, 6a 4a 3a एक कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, फिर गलत का कॉन्स्टेंट क्या है हमारे पास 2a, ठीक है 2 3 4 है तो हमने इसमें भी कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया 4a, ठीक है हमने देखा इसका टोटल, क्योंकि देखिए सही हो चाहे गलत हो बंटवारा कर रहे हैं ना, सही हो चाहे बंटवारा गलत कर रहे हो बट टोटल अमाउंट तो कभी चेंज नहीं होगा ना, पैसे थोड़ी ना बढ़े कम हुए पैसे तो उतने ही है तो टोटल हमेशा सेम होगा, तो 6 4 10 3 13 तो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 13a और यहाँ पे कितना आ रहा है 4 3 7 8 9 तो यहाँ पे आ रहा है 9a, ठीक है
तो देखिए यहाँ पे टोटल हमारा 13 ए आ रहा है, यहाँ पे 9 ए आ रहा है, ये तो गलत बात है। पैसों के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करी, डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हुई है भैया, अमाउंट में थोड़ी हुई है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेम करेंगे, दोनों के टोटल अमाउंट को। तो भैया आप सभी को पता है, मैंने बता रखा है कि भैया हमको दोनों को सेम करना है, तो मैंने इस 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, ठीक है, और इस 13 का मल्टीप्लाई इस यहाँ पे दूसरी क्वेश्चन कर दिया। तो आगे जो बनेगी हमारी सही और गलत का रेशियो क्या बनेगा, तो सही का रेशियो क्या बनेगा, 9 का मल्टीप्लाई आप लोग अंदर कर देंगे, ठीक है, पूरी क्वेश्चन में। तो देखते हैं क्या बनेगा इसका, चलिए ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो आप सभी को पता है 9 6 कितना रहेगा 54 ए, ठीक है, फिर कितना रहेगा 9 4 36 ए, ठीक है, 9 3 27 ए, और 13 9 कितना होता है आप सभी को पता है 117 ए, ठीक है। ये सही का रेशियो है, गलत का रेशियो क्या बनेगा, तो गलत का रेशियो बन जाएगा 26 ए, ठीक है, 39 ए, ठीक है। ये 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ये तो नॉर्मल सी चीजें है। अभी तक इतने सारे वीडियोस हो चुके हैं हमारे, आप सभी को पता चल रहा होगा क्या कर रहा हूँ। 13 चौके हो जाएगा आप लोगों का 52, ठीक है, यहाँ पे रहेगा 52 ए। ये सब प्रैक्टिस करते हैं तो एकदम हलवा लग जाती है चीजें। और यहाँ पे 39 117, अब देखिए हमारे अकॉर्डिंग कितना है 117 ए है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 117 है। तो हमने देखा भैया कि हमारे अकॉर्डिंग तो 117 ए रुपए हो रहा है टोटल, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 117 हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ए की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, मतलब ये हम लोग ए की वैल्यू इनमें 1 रखेंगे, तो मतलब जो हमारे रेशियो बने ये एग्जैक्ट में सही वैल्यू है, क्योंकि 1 1 रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगली स्टेप ना बढ़ाते हुए मैं आपको यही समझा देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, ए ए को हटा देंगे सब में से, मतलब यही वो रेशियो है जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है, यही वो वैल्यूज है जिसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब सब चीजें सेम हो गई है, बस आप देखेंगे आप लोग, ये देखिए अब सॉल्व कर देंगे नॉर्मल सा, तो 54 से 26 हो गया है गलती से, तो भैया इसको लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस हुआ है। और वो हमसे क्या पूछा है, गेन प्रॉफिट की बात कर रहा है क्वेश्चन में, हमसे क्या पूछ रहा है वो, कितना उसको गेन हुआ है, मतलब लाभ, सबसे अधिक लाभ पूछ रहा है। तो यहाँ तो इसको भैया लॉस हुआ है, तो कोई बात ही नहीं, इसकी तो बात ही नहीं आएगी। यहाँ पे इसको प्रॉफिट हुआ है, पर 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। चलिए यहाँ पे इसको हुआ है भैया 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब वो कह रहा है सबसे ज्यादा प्रॉफिट, तो भैया दिख रहा होगा आपको यहाँ पे सभी को कि प्रॉफिट तो हो रहा है, प्रॉफिट 2 को हो रहा है हमने देखा, ठीक है, पर सबसे ज्यादा किसको हो रहा है, इस 25 वाले को हो रहा है, ठीक है। तो इस 25 वाले को प्रॉफिट हो रहा है सबसे ज्यादा, तो हमें पता चल गया, हमें क्या पता चल गया भैया कि इस 25 वाले को प्रॉफिट हो रहा है। और ये कौन है, ये सी है आपका, ठीक है, हमने ऊपर बता चुका हूं मैं आपको कि ये सी है, तो सी को 25 का प्रॉफिट हो रहा है। ये एक और मेथड मैंने आपको बता दिए, नॉर्मल सी मेथड 1 मेथड 2 जो भी आपको सही लगे, ये सब चीजें आपको इतनी फास्ट, ये क्वेश्चंस करने में मुझे मुश्किल से 10 सेकंड लगते हैं, बट आपको समझाने के लिए मुझे इतना समय लगाना पड़ता है, क्योंकि ये बात तो आप भी मानते मान लीजिए, ठीक है, चलिए ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़े आते हैं हम लोग, ठीक है, चलिए बिल्कुल आगे बढ़े आते हैं हम लोग नेक्स्ट की। ये मैंने मेथड 1 बताई थी आप सभी को पता, और ये मेथड 2 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे खुद, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे होमवर्क, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क है, सभी लोग ध्यान रखेंगे इस बात का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए सभी के लिए होमवर्क है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सभी लोग, ये होमवर्क है, ट्राई करके देखेंगे इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, चलिए ये आपका आ जाएगा भैया, ठीक है, टाइप नंबर आगे आपका जो पूछा गया बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है, तो ये आपका एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। आज हमारा हम लोग रेशियो कंप्लीट कर देंगे, कल हम लोग उसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद हमारा रेशियो कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। रेशियो में आप लोग पूरा कोई भी एग्जाम दे देना, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, और व्यापम तो इसके बाहर भी नहीं जाएगा, अगर जाए तो मुझे भी बता देना, मैं भी बता दूंगा व्यापम को कि यार तुमने ये कैसे कर दिया, क्योंकि व्यापम बोलेगा साहब इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, हम कहां से दे दें, ठीक है। चलिए बिल्कुल देखिए, 530 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि भैया ए को बी से 70 रुपए 80 रुपए, ठीक है, 80 रुपए मिले तो अधिक, तथा बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले,
ठीक है, चलिए ए को बी से ठीक है 70 रुपए अधिक मिले, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया फ्रेंड्स, ठीक है, ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले तो बी ठीक है, और बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले, तो इन तीनों को अलग अलग हिस्सा क्या है, तो तीनों का अलग अलग हिस्सा बताएंगे, ठीक है, ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले फ्रेंड्स, ठीक है, और बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले बताएंगे, और इनका टोटल अमाउंट अपन को दे रखा है। मैं आपको दो मेथड बताऊंगा इसको सॉल्व करने की, दो मेथड बताऊंगा, आप लोगों को दोनों में से जो अच्छी लगे वो करिएगा। एक तो सबसे पहली मेथड वन, बेसिक मेथड जो कि आपको करनी है, या फिर आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी देखे, मैं आपको मेथड इसलिए बताता हूँ आपके अंदर जो भी इच्छा हो, जो भी आपको सही लगे, जो आपको सुटेबल बैठे आप उससे करें, ठीक है। तो मेथड वन करते हैं जो कि नॉर्मल मेथड है, टोटल अमाउंट कितना दे रखा है, तो हमने क्या रखा भैया ए प्लस बी प्लस सी, ये कितनी दे रखी है आपको 530, ठीक है, ये हो गई हमारे पास एक इक्वेशन, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं। फिर आपको क्या दे रखा है, ए को बी से 70 रुपए अधिक कमाता है, मतलब जो ए है वो बी से 70 रुपए ज्यादा कमाता है, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर दूसरी। फिर क्या बोल रहा है, तो अधिक, ठीक है, फिर बी को सी से, ठीक है, बी को सी से, मतलब बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले, ये एक और इक्वेशन बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर तीन, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, देखिए यहां से आपको ए की वैल्यू लेनी है और पहली इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने पुट कर दी ए की वैल्यू, तो कितना रहेगा हमारे पहली इक्वेशन में, तो बी प्लस 70 प्लस बी को ऐसी कैसी रहने देंगे, नहीं छेड़छाड़ करेंगे, और सी की, अब सी की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, तो इस 80 को हम लोग यहाँ ले जाएंगे बी की तरफ। तो आप सभी को पता है ये सब मेथड तो हम लोग 10th क्लास में करते थे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर देते हैं नॉर्मल तरीके से, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन से। तो हमने रखा कि भैया बी प्लस 70 ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी, ठीक है, सी की वैल्यू को हमने रख दी भैया बी माइनस 80, और टोटल कितना दे रखा वहां पे, इक्वेशन कितनी हमारे पास 503, ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका 3b, ठीक है, बी 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 कितने हैं यहाँ पे, देखिए ये बी ये बी ये बी, ये हो जाएगा आपका 3b, ठीक है, 3b प्लस, ठीक है, अब 70 में से 80 गया मतलब -10 आएगा, ठीक है, 70 में से 80 गया -10 आपका रिजल्ट टू रहेगा 530, तो भैया 3b कितना रहेगा आपके पास 540, तो b की वैल्यू कितनी आ रहेगी आपके पास, b की वैल्यू जो है आपके पास आ रहेगी नॉर्मल तरीके से, ठीक है, कितना रहेगा 3 × 3 = 3, 3 × 8 = 24, बी की वैल्यू आ गई आपके पास 180, ठीक है, बी की वैल्यू 180 देने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये देखिए ए की वैल्यू कितनी आ रहेगी, बी प्लस 70 मतलब 180 प्लस 70 कितना हो जाता है 180 प्लस 70 250, और यहाँ पे आप बी की वैल्यू पुट करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी बी माइनस 80 मतलब 180 में से 80 किया तो यह रहेगी 100, ठीक है, और सी की वैल्यू तो हमने, बी की वैल्यू तो हमने निकाली ली है 180, ऑप्शन में हम लोग देखेंगे तो भैया हमें मिल जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ए की वैल्यू है 250, बी की वैल्यू 180 मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका 100 पे सटीक उत्तर होगा, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। ये हो गई एक तो मेथड हमारी, ठीक है, एक मेथड हो गई है, ठीक है, चलिए ठीक है, हमारी एक मेथड ये हो गई है, बकायदा नोट चलेगा। अब एक और सेकंड मेथड में आपको बता दूं, सेकंड मेथड में आपको बता देता हूं कि सेकंड मेथड कैसे करनी है, ठीक है, ये मेथड नंबर वन थी, हम लोग अब मेथड नंबर टू देख लेते हैं इसका, ठीक है, मेथड नंबर टू देख लेते हैं, कुछ नहीं करना है मेथड नंबर टू में, ठीक है, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं तो ले लेंगे आप लोग, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये वाला। चलिए मेथड नंबर टू में आपको बता देता हूं यहां पे, अब आ गई आपकी मेथड नंबर टू, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट यहाँ पे देखिए, ये तो एकदम छोटी सी मेथड है, यहाँ पे लिखा ए बी और सी, हमें पता है कि भैया लास्ट में जो भी लास्ट में रहता है हम उसको कुछ कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, हमने मान लिया कि भैया क्योंकि वो कह रहा है कि हमसे, ठीक है, वो कह रहा है हमसे ए बी से 70 रुपए अधिक मिले, ठीक है, और बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले, तो सी को कितने मिले, तो हमने मान लिया भैया सी के पास है 100 रुपए, ठीक है, तो सी को बी को सी से 70 बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले, तो बी को कितने मिले सी से 80 रुपए अधिक, तो हमने मान लिया भैया जो बी है उसको x प्लस 80 मिले, फिर ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले,
तो बी को एक्स प्लस 80 मिले तो 70 रुपए अधिक मिले, तो मतलब ए को कितने मिले, एक्स प्लस 150। बिल्कुल, तो यहाँ पे देखिए आप लोग ऐसे एरो बना लेंगे तो यहाँ पे मिलेंगे ये 80 रुपए इसको ज्यादा मिले, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे इसको ऐसे एरो बना लेंगे भैया इसको कितने मिले ज्यादा, तो इसको मिले आप लोग ऐसे बना लेंगे 70 रुपए ज्यादा मिले, ठीक है। पर इन टोटल तीनों का टोटल कितना है, तो आप सभी को पता है तीनों का टोटल है 530, तो तीनों को मिले कितने, तो यहाँ पे रहेगा आपका एक्स प्लस 150 प्लस एक्स प्लस यहाँ पे रहेगा 80 प्लस एक्स इजिकल टू ये टोटल है भैया 530 के बराबर। यहाँ से आप लोग एक्स निकाल लेंगे 3x प्लस कितना हो जाएगा आपका 230 इजिकल टू 530, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी आपकी भैया 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x की वैल्यू यहाँ पे उधर जाएगा तो 300, ठीक है। 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 300। चलिए, इसी प्रकार से ये मेथड नंबर 2 है। और अभी एक और, ठीक है, जो लोग प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत ज्यादा वो लोग इस मेथड से करेंगे डायरेक्ट, कुछ नहीं करना है, बिना पेन उठाए कॉपी कर सकते थे। फिर x की वैल्यू क्या रहेगी आप लोगों के पास, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रहेगी आपके पास 100, बस ये वैल्यू 100 आ गई, तो इसको उठा के पुट कर देना है एबीसीडी में और कुछ नहीं करना है। एबीसीडी में पुट कर दो तो ए क्या है एक्स प्लस 150, तो ए की वैल्यू कितनी आ रहेगी 250, ठीक है, एक्स प्लस 150 मतलब 100 प्लस 150। इसी प्रकार बी की वैल्यू क्या रहेगी 180 और सी की वैल्यू कितनी आ रहेगी आपकी 100, क्योंकि एक्स की वैल्यू 100 है। बस ये आपकी इक्वेशन आ गई और ये इसका उत्तर आ गया है।